हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल होमियोकेयर टुडे वी विल लर्न अबाउट रूब्रिक्स फियर कावरडाइज टिमिडिटी एंड बैशफुल सो फर्स्ट फियर फियर इज एन अनप्लीजेंट इमोशन कॉज्ड बाय द थ्रीट ऑफ डेंजर पेन और हार्म कॉज्ड बाय एंटिसिपेशन और अवेयरनेस ऑफ डेंजर जब हमें किसी भी चीज़ का खतरा महसूस होता है जिस वजह से हमारा किसी भी तरह का लॉस हो सकता है फिजिकल और मेंटल पेन हो सकता है तब जो इमोशन या फीलिंग्स क्रिएट होती है उसे हम फियर कहते हैं तो ये प्रेजेंट सिचुएशन का भी हो सकता है या फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन या इमेजनरी सिचुएशन का भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल फियर एड्स ऑफ लाइम डिजीज़ मार्टियंस ऑफ एबेंडॉन ऑफ बिंग एक्सीडेंट्स ऑफ एक्सेट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली बच्चों में ये देखा जाता है कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है पेरेंट्स बोलते हैं कि ये दिन में अकेला रह सकता है लेकिन रात में अंधेरे में यह अकेला नहीं रह सकता सो द रूब्रिक इज फियर अलोन ऑफ बिंग डार्कनेस इन द एंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज स्ट्रेमोनियम सेकेंड वन इज काउवरडाइज कावरडाइस इज लैक ऑफ ब्रेवरी और करेज और फर्मनेस ऑफ पर्पज और लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर डिफिकल्टी अपोजिशन पेन एक्सेट्रा हिंदी में बोलते हैं कायरता सो द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड कॉवरडाइज इज़ फियर इज़ पेनफुल इमोशन एन्जाइटी कॉज्ड बाय द एप्रीहेंशन ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर तो फियर एक इमोशन है फीलिंग है जो डेंजरस सिचुएशन में क्रिएट होती है और कावरडाइज उस पर्सन का बिहेवियर होता है जो कि डेंजरस सिचुएशन में ही दिखाई देता है लाइक रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल पेशेंट थी उसके घर के लोग उसका हसबेंड इन लॉज उसको बहुत डोमिनेट करते थे उसका इंसल्ट करते थे उसको वैल्यू नहीं देते थे वो पेशेंट बहुत एम्बिशियस थी उसको जॉब करनी थी लेकिन वो अपनी बात अपना ओपिनियन कभी भी बोल नहीं पाई हस्बैंड को बताया था लेकिन वो अपोज कर रहा था तो उस अपोजिशन को भी वो फेस नहीं कर पाई तो ये कावर्डली बिहेवियर होता है इस केस में मैंने रूब्रिक लिया था कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन इसमें रेमेडीज़ है बराइटा काम ग्रेफाइटिस इग्नेशिया, पेट्रोलियम और स्टेफेसेगरिया मैंने बाकी और सपोर्टिंग रूब्रिक्स देखकर इस पेशेंट को स्टेफेसेगरिया दिया था तो कावरडाइज में इंपॉर्टेंट रेमेडीज है अमोनियम कार्ब बराइटा काम जेलसेमियम लाइकोपोडियम एंड ओपियम। थर्ड वन इज टिमिडिटी द क्वालिटी ऑफ बींग शाई एंड नर्वस सो द डिफरेंस बिटवीन कावरडाइज एंड टिमिडिटी इज कावरडाइज मीन्स

और हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका वह बहुत रिलैक्स होकर आंसर करते हैं और डिसीजंस भी खुद ही लेते हैं इसके कम्प्लीटली अपोजिट होता है टिमिट ये पेशेंट कितना भी एज हो जाए फिफ्टी सिक्सटी के भी है तो भी किसी को साथ लेकर आते हैं आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं होता बहुत धीरे या कम बात करते हैं अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया तो शर्माते हैं ऑकवर्ड फील करते हैं और जो उनके साथ आए हैं उनकी तरफ बार बार देखते हैं और कभी कभी आंसर भी नहीं करते बस स्माइल करते हैं अगर मेल पेशेंट है एज ज़्यादा है तो भी वो सब कुछ प्रिपेयर कर करके आते हैं घर से कि किस तरह से कंप्लेंट बतानी है और डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछने हैं और क्लिनिक में आते ही वो जल्दी जल्दी सब कुछ बता देते हैं और अगर हमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो ठीक से बता नहीं पाते देर आर सो मेनी रेमेडीज़ इन डिमिडिटी बट फोर मार्क रेमेडीज़ आर बराइटा का पल्सर टीला इन साइडेशिया In sub rubrics of timidity, there is afternoon, alcohol amulet, alone when, alternating with, appearing in public about, and bashful. Bashful is feeling uncomfortable with other people and easily embarrassed. In repertory, speech whispering, answering to the mother instead of to the prescriber directly. Only remedy is silesia and in timidity bashful important remedies are coca and pulsatilla there are rubrics shy and self conscious to which cross reference of timidity is given so what is shyness shy is when someone lacks the confidence or is unable to cope up with their anxiety to interact with other other people who feel shy sometimes notice physical sensations like blushing or feeling speechless shaky or breathless. Then what is self conscious? Self conscious is feeling undue awareness of oneself, one's appearance or one's actions and we can use rubric timidity for both shy and self conscious. Then there is a rubric blushing in which ambra is important remedy and meaning of blushing is redness of face from shyness, embarrassment or shame. Embarrassed का मीनिंग है टू कॉज सम वन टू फील नर्वस वरिड और अनकंफर्टेबल मतलब शर्मिंदा तो इन चारों रूब्रिक्स में कॉमन रेमेडीज हैं बराइटा काब पल्स लाइको कैलकेरिया स्ट्रेमोनियम एंड इग्नेशिया